वेलकम दोस्तों, मैं एजाज आप सबका स्वागत करता हूँ आज के टेक्नोटॉक के नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है टेक न्यूज़ के बारे में। आज मैं आप सब लोगों के लिए बहुत सारी टेक न्यूज़ लाया हूँ, तो चलिए आज की टेक न्यूज़ में आपको बताना शुरू करता हूँ। दोस्तों सबसे पहली टेक न्यूज़ है शाओमी की तरफ से। शाओमी ने अपना नया डिवाइस मी मैक्स 2 चाइना में लॉन्च कर दिया है। ये डिवाइस 1 जून से चाइना में मिलना शुरू हो जाएगा। ये डिवाइस दोस्तों दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 64 GB का वेरिएंट जिसकी कीमत वहाँ पर है 1699 युआन, तकरीबन 16,000 रुपये हिंदुस्तान की, और 128 GB का वेरिएंट, उस वेरिएंट की कीमत है 1999 युआन, हिंदुस्तान के 20,000 रुपये के आसपास। तो काफ़ी ये इसका प्राइस पॉइंट है। और इसके अलावा ये फ़ोन की कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह है। यहाँ पर आपको 6.44 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलेगा, काफ़ी बड़ा और बेहतर डिस्प्ले है। और यहाँ पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 625 का ऑक्टा कोर चिपसेट, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे 4 GB की रैम। दोनों ही वेरिएंट में आपको 4 GB की रैम मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगा 12 MP का रेयर बैक में कैमरा विद ड्यूल LED फ्लैश और PDAF के साथ, और साथ ही साथ फ्रंट में आपको मिलेगा 5 MP का सेल्फी कैमरा। 5300 mAh की बैटरी होगी। इस फ़ोन में काफ़ी नए फीचर भी है, जैसे कि स्टीरियो स्पीकर, जो ज़्यादातर बड़े बड़े फ़ोन S8 भी नहीं देते, वो फीचर है यहाँ पर। और इसी के साथ आपको मिलेंगे आयर ब्लास्टर और साथ में USB Type-C। तो ये इसी का ओवरऑल और स्नैपड्रैगन और एंड्रॉयड 7.2 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। तो इस फ़ोन के बारे में मैं अगर आपसे बात कहूँ तो मैं इस फ़ोन से बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं और बहुत ज़्यादा नाउमीद भी नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें की है। और ये जो फ़ोन है इसका जो प्राइस है काफ़ी मुझे ज़्यादा लग रहा है स्नैपड्रैगन 625 के हिसाब से। 16,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। इंडिया में देखते हैं कि अगर शाओमी इसे किस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करता है। अगर ये लोग स्नैपड्रैगन 660 भी देते, जो लेटेस्ट प्रोसेसर अभी लॉन्च हुआ है, तो भी मैं एक बार आपको डेफिनेटली आँख बंद करके रेकमेंड करता। मगर डेफिनेटली एक अच्छा फ़ोन है उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली, जो उन लोग को बड़ा फ़ोन चाहिए, बड़ा डिस्प्ले चाहिए। अदरवाइज़ एक इतना ख़ास फ़ोन मुझे नहीं लगा। आप क्या सोचते हैं ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। अगली न्यूज़ है दोस्तों आईफोन 8 के बारे में। एक वीडियो लीक हुआ है जिसमें पूरे फ़ोन का कंप्लीट फ्रंट और बैक दिखाया गया है। हो सकता है कि नया आईफोन 8 ऐसा हो। दिखने में तो अब तक का वैसा ही लग रहा है, ड्यूल रियर कैमरा के साथ आपको सेटअप के साथ, मगर देखते हैं। मुझे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग नहीं लगा, अपना आपको कैसा लगता है आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगली न्यूज़ का अपडेट है DJI की तरफ से। DJI का सबसे छोटा और सबसे सस्ता ड्रोन लॉन्च हो गया है। हिंदुस्तान में इसकी कीमत होगी तकरीबन 43,000 रुपीज़ और US में $499। ये जो ड्रोन है काफ़ी छोटा है और ये स्पेसिफिकली सेल्फी के लिए और डेली यूजेज के लिए है। इसकी कुछ फ्लाइंग कैपेसिटी कुछ 15 या 16 मिनट की है, मगर इससे आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मैंने इसका एक लिंक वीडियो का रखा है जिसमें इसका एक बहुत ही अच्छा कमर्शियल बनाया गया है कि आप इसे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अपने हाथ से ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं जेस्चर से, और आप ऐसे करेंगे तो एक क्लिक कर देगा, और भी बहुत कुछ है, मगर स्पेसिफिकली उन लोगों की जिनके लिए ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपको सेल्फ़ी ख़रीदने के लिए सिर्फ 43,000 खर्च करना, मेरे हिसाब से समझदारी की बात नहीं है। मगर दोस्तों लावा का Z10 फ़ोन को अब 3 GB रैम के वेरिएंट में अवेलेबल है 11,500 रुपये के प्राइस पॉइंट में। इस फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक सी है, और इसमें आपको कुछ बस ये एक स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पे लावा आपको 365 डेज़ पूरे साल की वारंटी देता है स्क्रीन रिप्लेसमेंट की, और 30 डेज़ की फुल फ़ोन रिप्लेसमेंट की अगर आप कोई हार्डवेयर इशू फेस करते। तो उसके अलावा 11,500 रुपये देने का मुझे कोई रीज़न नहीं लग रहा है इस फ़ोन में। इस यही प्राइस पॉइंट में आप रेडमी नोट 4 ले, आपको बेटर डिस्प्ले मिलेगा। यहाँ पे आपको HD डिस्प्ले मिल रहा है, साथ ही साथ आपको बेटर बैटरी मिलेगी और बेटर प्रोसेसर मिलेगा डेफिनेटली। तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसे कंसिडर ही मत कीजिए। ये न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की, मगर वर्थ नहीं है इसमें आपका पैसा डालना। दोस्तों अगली न्यूज़ आई है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस 5 के अंदर कन्फर्म कर दिया गया है ट्वीट के द्वारा क्वालकॉम ने इंडिया ने कि स्नैपड्रैगन 835 के साथ पहला फ़ोन वन प्लस 5 होगा। अच्छी बात है, चलिए इंडिया में कम से कम 835 का फ़ोन तो लॉन्च हो रहा है, क्योंकि सैमसंग तो हमेशा की तरह इंडिया में सिर्फ एक्सिनॉस ही देगा, पता नहीं क्यों। दोस्तों अगली न्यूज़ अपडेट है मोटो यूज़र्स के लिए। मोटो X4 को एंड्रॉयड नूगट का अपडेट मिलना शुरू हो चुका है, और ये लेटिन अमेरिका में शुरू हो चुका है, और जल्द ही दूसरी जगहों पर भी जल्द ही ये अपडेट रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, जिसमें से हम इंडियन यूज़र्स भी है।
OnePlus 3T का वो काफ़ी जगहों से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है यूरोप वगैरह से, और साथ ही साथ इंडिया के अंदर भी ये वार्निंग दे दी गई है OnePlus की तरफ से, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद लीजिए क्योंकि ये फ़ोन जल्दी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये OnePlus की राय, मेरी राय, बिल्कुल आप मत खरीदिए, क्योंकि अगर आप OnePlus 3T अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली OnePlus 5 भी आप अफोर्ड कर सकते ही होंगे। और OnePlus 5 लेने में ही समझदारी है, क्योंकि आपको 835 मिल रहा है जो कंफर्म भी हो चुका है, रेदर देन आप 820 या 821 ले, कोई मतलब नहीं है। शाओमी MI 6 या MI MX 2 लॉन्च हो सकते हैं एक ट्वीट के द्वारा जो शाओमी के हेड ने पोस्ट किया है ट्विटर पे, और इस ट्वीट में स्पेसिफाई किया गया है कि इससे पहले भी 23rd को लॉन्च हुए थे फ़ोन्स और अच्छे से अच्छे अच्छे सेल रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो क्या इस अगले महीने जुलाई 23rd को भी एक अच्छा रिकॉर्ड हो सकेगा? तो इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि ज़रूर कोई फ़ोन आ सकता है, तो देखते हैं क्या होता है और किस प्राइस पॉइंट पे शाओमी लॉन्च करता है। वोडाफोन ने सुपर डे और सुपर वीक के नाम से नए प्लान निकाले हैं 4G डेटा और कॉलिंग के, और मेरे हिसाब से सुपर बेकार प्लान है ये, क्योंकि जो सुपर डे प्लान है जो 19 रुपीज़ का है, जिसमें आपको मिलेंगे 100 MB ऑफ 4G डेटा, मतलब क्या कर लेंगे हम लोग 100 MB में यार, 100 MB का 4G डेटा मिलेगा एक दिन के लिए, और अनलिमिटेड लोकल और STD कॉल मिलेंगे सिर्फ वोडाफोन टू वोडाफोन, अदर नेटवर्क पे आप करेंगे तो आपको चार्ज लगेगा। सुपर वीक तो सुनिए और उससे भी ज़बरदस्त है, 49 रुपीज़ के अंदर आपको 7 डेज़ की वैलिडिटी और 250 MB ऑफ डेटा, और यहाँ भी वैसे अनलिमिटेड कॉलिंग है मगर सिर्फ वोडाफोन टू वोडाफोन। और इसके अलावा 89 रुपीज़ का सुपर वीक का एक और प्लान है जिसमें सेम डेटा मिलेगा, 250 GB अनलिमिटेड कॉलिंग वोडाफोन टू वोडाफोन, इसमें एक्स्ट्रा आपको सिर्फ 100 मिनट्स मिलेंगे अदर नेटवर्क्स के लिए। अल्काटेल पिक्सी 4 7 टैब लॉन्च हो चुके हैं, ये जो टैबलेट है ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुए हैं, 4G और वाईफाई। जो 4G वेरिएंट है इसके अंदर आपको 4G सिम आप यूज़ कर सकेंगे डेफिनेटली, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन वाईफाई से बेटर है। इसमें आपको 1 GB की रैम, 16 GB की स्टोरेज, 8 MP का प्राइमरी कैमरा, फ्रंट में 5 MP कैमरा मिलेगा, और एंड्रॉयड 6 आउट ऑफ द बॉक्स, 4000 mAh की बैटरी, और साथ ही साथ ये जो फ़ोन की कीमत होगी 6999 रुपये, और जो वाईफाई वेरिएंट है उसकी कीमत है 3999 रुपये। यहाँ पे आपको सिर्फ 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, 1 GB की रैम, 2 MP का बैक में कैमरा, 0.3 MP का फ्रंट कैमरा, 2580 mAh की बैटरी मिलेगी आपको, और एंड्रॉयड 6 आउट ऑफ द बॉक्स। वेल, ये जिस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुए, ना ही कोई बहुत ज़बरदस्त, ये कोई अच्छी बात है ना ही कोई बुरी बात है, ठीक ठाक सी न्यूज़ है। अगर आपकी बहुत ही लो रिक्वायरमेंट है कोई बेसिक चीज़ के लिए आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना इतना कोई खास। सैमसंग के J5 प्राइम और J7 प्राइम के 32 GB वेरिएंट अवेलेबल हो चुके हैं इंडिया में, और ये इनकी कीमत है तकरीबन 16,900 रुपये J7 प्राइम के लिए और 14,900 रुपये J5 प्राइम के लिए। मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा कि ये फ़ोन मत खरीदे, क्योंकि जल्दी J7 और J5 के 2017 वर्जन लॉन्च होने वाले हैं जो डेफिनेटली अपडेट होंगे, और होपफुली आपके लिए बेटर डिसीजन होगा, क्योंकि अगर आप अभी इसमें पैसा डालेंगे तो डेफिनेटली कोई मतलब नहीं बनता है। सब कंपनीज आपको हमेशा लॉन्च से पहले कुछ ना कुछ डील दे के फंसा लेती है, तो डेफिनेटली ये फ़ोन लॉन्च हो चुकी है, मगर अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप वेट कर सकते हो, डेफिनेटली वेट कीजिए। यूरेका लॉन्च करने वाला है अपना नया फ़ोन 1 जून को, जिसका नाम होगा ब्लैक, और देखते हैं इसकी क्या प्राइस और क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो भी डिटेल्स होगी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। सोनी ने अपनी नई जी सीरीज़ की सॉलिड स्टेट ड्राइव लॉन्च की इंडिया में। इस स्टेट ड्राइव को प्रोफेशनली वीडियो यूज़र्स के लिए, वीडियो रिकॉर्डर्स के लिए लॉन्च किया गया है और डिज़ाइन किया गया है, और इसकी कीमत है तकरीबन 47,500 960 GB वाले वेरिएंट के लिए और 25,500 480 GB वाले वेरिएंट के लिए। इनकी स्पीड भी डिफरेंट है, जो 960 GB का वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगी 2400 TBW मतलब टेराबाइट राइटिंग की स्पीड, और जो 480 GB का वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगी स्पीड 1200 1200 TB राइटिंग की स्पीड मिलेगी। तो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस और काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस के लिए है, जिनके लिए जो बहुत ज़्यादा हैवी वीडियो एडिटिंग और वीडियो ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके अलावा सोनी यहाँ पे आपको 10 साल की वारंटी भी दे रहा है, काफ़ी महंगी है मगर उन लोगों के लिए जिनके प्रोफेशनल यूज़ के लिए, अगर आपको प्रोफेशनल यूज़ नहीं करने डेफिनेटली आपके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। दोस्तों, जियोनी ने अपने नए 3 फ़ोन लॉन्च किए हैं बाहर, और ये इनके नाम है S10, S10B और S10C। इनका जो मेन प्राइम फीचर S10 का ये है कि इसके अंदर आपको 4 कैमरा मिलेंगे, 2 बैक में और 2 फ्रंट में, और ये जो फ़ोन है तकरीबन ठीक ठाक सी कॉन्फ़िगरेशन है, मीडिया टेक का
हीलियो का P25 का प्रोसेसर है, ये लोग थकते नहीं, हम लोग बोल बोल के थक जाते कि अच्छे प्रोसेसर यूज़ कीजिए अपने फ़ोन में, मगर खैर ठीक है, क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं इंडिया में किस प्राइस पॉइंट में इन फ़ोन्स को लॉन्च करेंगे। ये S10 और S10B के अंदर थोड़ा और कॉन्फ़िगरेशन कम हो जाएगा, यहाँ पे आपको सेम डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD डिस्प्ले, मगर यहाँ पे आपको P10 का चिपसेट मिलेगा और यहाँ पे कैमरा कॉन्फ़िगरेशन भी कम हो जाएगी। आपको बैक में मिलेंगे 13+5 मेगापिक्सल और फ्रंट में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलेगा। और S10C जो मुझे इन तीनों में सबसे ज़्यादा पसंद है, उसमें आपको बैक में 16 मेगापिक्सल और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल और बैक में 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और Snapdragon 425 का चिपसेट, एटलीस्ट Snapdragon 425 पर होता है, और Adreno 308 का GPU मिलेगा और 4 GB RAM और 3100mAh की बैटरी। तो ये फ़ोन लॉन्च किए हैं, देखते हैं अब इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पे ये फ़ोन आते हैं। दोस्तों आज की आखिरी टेक न्यूज़ है, बहुत ही शॉकिंग सी। कैस्पर्स्काय लैब ने डिटेक्ट किया गया है कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 3 गुना रिजल्ट बढ़ गए हैं मोबाइल रैनसमवेयर के, और ये फाइल जो डिटेक्ट हुई है पिछले क्वार्टर में थी कुछ 61,832 और इस क्वार्टर में हो चुकी है 218,625। तो काफ़ी शॉकिंग फिगर्स आई है। आप भी प्लीज़ अपने मोबाइल को सेफली यूज़ कीजिए, अनलोन और जो डाउटफुल लिंक उन पर क्लिक मत कीजिए, फिर भले आप सेंडर को जानते हो तो भी बी केयरफुल एंड बी सेफ। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ यहाँ पर ही ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, थैंक यू। और हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।